दोस्तों, डंकी मूवी को देखकर ऐश्वर्या राय ने बहुत ही अच्छी बात बोल दी। ऐश्वर्या राय कहती है, शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर है और इस साल में जो शाहरुख ने सुनामी का मंजर दिखाया है वो देखकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हैरान है। ऐश्वर्या कहती है, डंकी मूवी काफी अच्छी है और इसमें जो भी दिखाया गया है वो कमाल है और इसमें जो इमोशनल सीन बनाए गए हैं उसको देखने के बाद आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। डंकी में काफी कुछ सीखने को मिलता है और ऐसी मूवी आनी चाहिए जिसमें के बहुत अच्छा सामाजिक मैसेज देखने को मिले। डंकी राजकुमार हिरानी की सबसे प्यारी मूवी है और इसको हर कोई देखना पसंद कर रहा है, इंडिया हो या फिर ओवरसीज। डंकी का डंका हर कहीं बज रहा है और डंकी अपने रास्ते में आने वाले सब रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बार जो रिकॉर्ड्स की धज्जियां डंकी उड़ाएगी उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। सलार वालू को हमने पहले ही बोला था, जहां पर शाहरुख खान खड़े होते हैं वहां पर बॉक्स ऑफिस शाहरुख की होती है। आप अगर डंकी के साथ अपनी मूवी रिलीज करोगे तो आपको फेक कलेक्शन के स्क्रीनशॉट अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि अभी आप कर रहे हो। शाहरुख खान अपनी सच्चाई से जो कुछ कमाते हैं वो बताते हैं, आपकी तरह फेक कलेक्शन के पोस्टर अपलोड नहीं करते। डंकी का डंका देखकर सलार की सलवार उतर गई है और इतनी बड़ी कलेक्शन डंकी ने की है जिसको देखकर सलार वालों की नींदें भी उड़ गई है और अब शाहरुख एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई बॉलीवुड का सच्चा एक्टर है तो वो है शाहरुख खान, जिनको आज दुनिया ग्लोबल स्टार के नाम से जानती है और इनकी मूवीज को पूरी दुनिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और लोग शाहरुख खान के दीवाने हैं, क्योंकि शाहरुख ने आज तक जो भी मूवीज बनाई है वो सुपरहिट साबित हुई है। और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है और ये अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है, जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों, शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो और आप क्या डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे, कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना।